आत्मा चेतन ज्योति है जो देह रूपी मिट्टी के दीपक में जगमगा रही है और जितना ज्ञान और योग का घृत इस दीपक में पड़ता है यानी इस देह के साथ मैं आत्मा उस विदेही पिता को याद करती हूँ उसके ज्ञान को मनन करती हूँ मंथन करती हूँ उतना ये ज्योति और तेज जगमगाने लगती है न केवल अपने आसपास, अभी तो दूर दूर तक ईश्वरीय रश्मियों को फैलाने लगती है इसलिए बाबा सदा जागती ज्योत हम आत्माओं को भी जगाने के लिए बुझी हुई ज्योत में फिर से घृत डालने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं और हमें इतना सक्षम बना देते हैं जो हम अन्य आत्माओं की ज्योति भी जगाने लगते हैं ताकि सृष्टि पर सच्ची दीपावली आ जाए तो ऐसे बाबा के चेतन दीपक जगमगाते दीपक तैयार हैं ज्ञान घृत डालने के लिए चलो सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली आज है 2 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं मीठे बच्चे अभी तुम्हारी ज्योति जगी है ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना बाबा भृगु ऋषि है एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छा है ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान बाबा को सबसे अधिक है इसीलिए बाबा देह के आधार पर कोई भी दशा चल रही हो आपकी जन्म पत्री कुछ भी कह रही हो लेकिन जिस घड़ी हम बाबा के बने उस घड़ी से हम पर बृहस्पति की दशा बैठनी शुरू हो जाती है है ना? तो बाबा है बृहस्पति अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो सबसे श्रेष्ठ दशा मानी जाती है बृहस्पति की दशा इससे हम विश्व के मालिक बन जाते हैं प्रश्न है सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं है ना दोनों में बहुत अंतर है उत्तर है सतयुग में हर घर में खुशियाँ होंगी सबकी ज्योति जगी हुई होगी कलयुग में तो घर घर में गमी चिंता है हर घर में अंधियारा है आत्मा की ज्योति उझाई हुई है बाप आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योति जगाने, जिससे फिर घर घर में दिवाली होगी हुँ? तो अभी तो साल में एक दफा दीपावली मनाते हैं परंतु सतयुग में प्रत्येक आत्मा की ज्योति जगी हुई होगी सब प्राप्तियों से भरपूर होगी आत्मा तब घर घर में दीपावली होगी आज का गीत है माता ओ माता तो है सबकी भाग्य विधाता बच्चों ने माँ की महिमा सुनी यूं वास्तव में उपमा तो एक की ही होती है माँ को भी जगत अम्बा बनाने वाला जन्म देने वाला फिर भी कोई और है ऐसी माँ को भी जन्म किसने दिया कहेंगे, गई पावन परम पिता परमात्मा शिव ने दिया फिर भी महिमा हो जाती है एक ही ज्ञान सागर पतिथ पावन परम पिता परमात्मा शिव बाबा की तो माँ की महिमा तो है परंतु उससे भी अधिक महिमा किसकी है जिसने माँ को ऐसा बनाया यानी शिव बाबा की वह बैठ बच्चों को अपनी और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का हुँ? और पतितों को पावन बनाने का राज समझाते हैं यह तो बच्चे समझ गए हैं इस समय पतित राज्य है जिसको रावण राज्य कहा जाता है अभी दशहरा आता है ना? यह तो समझाया गया है यह सब अंधश्रद्धा के उत्सव हैं ऐसे तो कोई है नहीं कि एक रावण था लंका थी अभी हमें पता है ना रावण अर्थात पांच विकार। लंका सिलोन को कहा जाता है दिखाते हैं वहाँ सागर पर बंदरों ने पुल बनाई ऐसा बताते हैं ना रामायण में वास्तव में यह सब हैं दंत कथाएँ ऐसे तो है नहीं कि दस शीश वाला कोई रावण था लंका में राज्य करता था फिर तो उनकी एफिजी लंका में ही जलानी चाहिए मृत्यु भी तो उनकी लंका में ही हुई ना रावण को जलाने का भारत में ही रिवाज है और कोई जगह नहीं जलाते अखबार में भी यहाँ के लिए ही पड़ता है सबसे जास्ती उत्सव मैसूर का महाराजा मनाते हैं उनका शायद इस दंत कथा से प्रेम दिखाई पड़ता है अब इस पर समझाना तुम बच्चों का काम है कि वास्तव में रावण कौन है क्यों हम उसकी एफिजी जलाते हैं है ना श्री राम कौन है किसकी सेनाली? तो ये सारा भावार्थ बाबा कहते हैं हमें समझाना है एफी तो दुश्मन का बनाकर जलाया जाता है जैसे आगे हिटलर का एफी बनाकर जलाते थे उसने भी बहुत दुष्कर्म किए तो इसलिए उसका भी एफ जलाते थे तो बाबा कहते हैं कि दुश्मन तो बहुतों के होते हैं अब रावण किसका दुश्मन था भारतवासियों का दुश्मन था भारत में शिवालय था देवी देवताओं का राज्य था तो फिर देवी देवताओं को असुर किसने बनाया वो आत्माएं जिनमें दैवी गुण थे उनमें आसुरी अवगुण कैसे आए रावण के कारण पांच विकारों के कारण तो भारतवासियों का दुश्मन था परंतु दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता है ऐसे तो कोई भी नहीं करते जो हर वर्ष दुश्मन का एफिजी, यानी बुत बनाकर जलाते और तो किसी के साथ ऐसे नहीं करते ना चाहे कोई कैसा भी हो दुश्मन का एफिजी तो बनाते हैं परंतु वर्ष वर्ष तो नहीं जलाते यह रावण फिर कौन है जिसका भारत में बहुत समय से दस शीश वाला एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं यह दुश्मन कब से हुआ है जो मरता ही नहीं आखरीन खत्म होगा या सदैव रहेगा ही खत्म होगा या सदैव रहेगा तुम बच्चे जानते हो भारत ही पवित्र था फिर भारत को ही रावण ने अपवित्र बनाया है अभी रावण राज्य है अगर लंका का राजा था तो रानी भी होगी तुम तो यह बातें मानेंगे नहीं रावण अभी तक जीता है हाँ अभी तक जिंदा है व क्या कुछ भी समझते नहीं जीता है फिर उनकी एफिजी बनाकर जलाते रहते एक बार जलाया फिर क्या हुआ हर वर्ष जलाते रहते हैं तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए यानी रावण मरा नहीं है इसलिए तो उसे हर वर्ष जलाते हैं कौन सा रावण नहीं मरा वो दस शीश वाला या रावण कुछ और है ऐसे यथार्थ रीति समझाना है कमेटी के बड़े जो बनते हैं जैसे मैसूर का महाराजा है वह बहुत मनाते हैं तो जो लोग बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं उनको स्पेशल जाकर इसका यथार्थ अर्थ समझाना है फॉरेनर्स को भी देखने के लिए बुलाते हैं समझेंगे शायद ऐसा हुआ होगा जब इतना धूमधाम से मनाएंगे तो सभी ऐसे ही समझेंगे कि शायद ऐसे ही हुआ होगा परंतु ऐसा तो कभी हुआ नहीं है नाटक बना देते हैं रावण का भी नाटक बनाते हैं रामलीला करते हैं ना तो इस रावण की बात पर समझाना है बड़ी जबरदस्त बात है अभी तुम रावण राज्य में बैठे हो पतित दुनिया को ही रावण राज्य कहा जाता है अभी राम राज्य और रावण राज्य का राज तुमको समझाया गया है रावण पांच विकारों को कहा जाता है और कोई नहीं है तुम समझ गए हो रावण का राज्य अभी कहाँ है भारत में है भारत में ही दशहरा दीपमाला आदि मनाते हैं तो समझाना पड़े भारत में ही ये सारे त्यौहार मनाते हैं तो इनका अर्थ सभी को समझाना है अगर रावण जीता है तो रावण राज्य ठहराना अगर वो जीता है और उसको आप हर साल जलाते हो तो इसका मतलब रावण का राज्य है रावण है पतित बनाने वाला तुम जानते हो पांच विकार जो कि इस समय सर्वव्यापी हैं उनको ही रावण कहा जाता है रावण के चित्र तो आगे दशहरे दश में निकलते थे इसमें तिथि तारीख भी डालनी पड़े इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना होती है तुम पतित से पावन बन रहे हो पावन बन जाएंगे फिर रावण संप्रदाय को आग लगेगी रावण खत्म हो जाएगा फिर सतयुग में कोई एफ नहीं बनानी पड़ेगी अगर सच में रावण जल जाए तो एफ हर वर्ष जलाने की दरकार नहीं परंतु क्योंकि रावण जलता तो नहीं तो और ही बढ़ता जाता है इसलिए हर वर्ष रावण को जलाना पड़ता है एफी जी प्रतीकात्मक रूप से तो विकारों को जलाते हैं प्रतिज्ञा भी करते हैं परंतु जलते नहीं भस्म नहीं होते इसलिए बड़ा बड़ा रावण बनाते हैं और फिर उसको जलाते हैं परंतु जब हम पूरी रीति विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे उसके बाद रावण की एफिजी बनाने की उसे जलाने की जरूरत नहीं होगी तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि सब पावन बन जाएंगे आत्मा में सतुप्रधानता की जब ताकत थी तो जागति ज्योत थी पतित बनने से वह ज्योत उझा गई है आत्मा ही पतित बनी है उड़ने की ताकत नहीं है पांच विकारों से आत्मा बन गई है यह जरूर समझाना है आत्मा को जागृत करने वाला एक बाप है यह तो सब कहते हैं ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा आएगा अब ज्योति स्वरूप तो कौन है पावा तो है है ना? ज्योति स्वरूप तो तुम आत्मा भी हो परमपिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझ गई है हु? बाकी जाकर जरा सी रही है आत्मा में ताकत धीरे धीरे शीर्ण हो जाती है मनुष्य मरते हैं तो रात दिन उनका दीवा जलाते हैं दीवे की बहुत संभाल करते हैं घृत खत्म हो जाता है फिर और डालते हैं ऐसे ही करते हैं ना, आत्माओं का भी ऐसे है बाप आकर सबकी ज्ञान से ज्योति जगाते हैं कौन सा घृत डालते हैं सभी डाल रहे हैं ना, बाबा का ज्ञान का घृत डाल रहे हैं ज्योति जगी हुई कितना समय चलती है वह तो रात को जलाते हैं फिर घृत डालते जाते हैं तुम्हारी अब ज्योति जग रही है जगते जगते फिर जग ही जाएगी फिर उछाएगी नहीं पूरी जग जाएगी ज्योति बुझने में पाँच हजार वर्ष लगता है फिर बाप आकर घृत डालते हैं तुम्हारी अब ज्योति जगी है फिर धीरे धीरे कला कम होती जाएगी ज्योति उझाई जाएगी तुम जानते हो अभी हमारी ज्योति जगती है फिर सतयुग में घर घर में सोझरा होगा आत्मा संपन्न बन जाएगी संपूर्ण बन जाएगी पवित्र बन जाएगी फिर सतयुग में घर घर में सोझ रहा होगा हर घर में हर एक आत्मा की ज्योति जगी हुई होगी है ना? भारत की ही बात है अभी तो घर घर में अंधियारा है क्यों आत्मा की ज्योति उछाई हुई है खुशी है नहीं खुशी नहीं है मतलब अंदर कमियां हैं कमजोरियां हैं तुम जानते हो सतयुक्त त्रेता में हम बहुत खुश थे याद है सभी को और खुशी मनाते थे सभी की ज्योति जगी हुई रहती है फिर थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती है इस समय तो बिल्कुल उछाई हुई है खाद पड़ी हुई है बाप आकर फिर ज्ञान का घृत डालते हैं जिससे तुम फिर जागती ज्योत बन जाते हो तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं किससे बाबा ज्ञान का सागर जब हम बच्चों को ज्ञान देते हैं तो ज्ञान घृत भी है ज्ञान से हमारे दिव्य चक्षु खुल भी जाते हैं बुद्धि का चक्षु खुल जाता है तुम जानते हो अभी हमारी सारी काया खलास हो गई है कहते हैं कला काया चट हो गई है राहु का ग्रहण लग गया है राहु क्या करता है भ्रमित करता है है ना? हमें लगता है ये सब चीज़ें अच्छी हैं हमें आगे बढ़ाएंगी दुनियावी चीज़ें दुनियावी आकर्षण दु, दुनियावी प्राप्तियाँ परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता जो तो राहु का ग्रहण लग जाता है तो आत्मा कमज़ोर हो जाती है तुमको काला होने में कितना समय लगता है शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा होते फिर माया का प्रवेश होने से ही बहुत काले बन जाते हो कितने काले आत्मा विषय विकार उनसे ग्रस्त हो जाती है और काली बन जाती है अभी तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है इसलिए दुख है अशांति है सबसे कड़ी है राहु की दशा अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है क्योंकि अभी विश्व का मालिक बनने के लिए तुम वृक्षपति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो बाबा बृहस्पति है वृक्षपति है संपूर्ण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है तो बाबा हमें पुरुषार्थ करा रहे हैं वह है अविनाशी गुरु किसका अविनाशी आत्माओं का वह मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु नहीं बनते हैं वह मनुष्य का गुरु बनते हैं अभी बाप तुम्हारी आत्माओं का गुरु आकर बने हैं हम आत्माओं का गुरु सतगुरु बृहस्पति एक बाबा वृक्षपति परम पिता परमात्मा है तुम समझते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है सबसे श्रेष्ठ दशा चढ़ती कला की दशा उन्नति की दशा स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे है ना? अविनाशी सुख रहता है परंतु उसके लिए पुरुषार्थ अब करना है कि हम सतयुग के महाराजा महारानी बने पुरुषार्थ तो हर एक का अपना चलता है यह है रुद्र शिव की पाठशाला वह है ज्ञान सागर तुम उनकी पाठशाला में पढ़ रहे हो भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ सभी बैठे हैं शिव बाबा सतगुरु द्वारा हम राजयोग सीख रहे हैं बाबा की पाठशाला है ये अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप कौन है पापा कहते हैं मैं हूँ एक है जिस्मानी बाप एक है रूहानी बाप तो अविनाशी बाबा भी है अविनाशी शिक्षक भी है अविनाशी सतगुरु भी है दोनों कंट्रास्ट भी बताना है रूहानी बाप कब मिलते हैं जिसको भक्ति मार्ग में सभी रूहें याद करती हैं रूह याद करती है ना तभी तो कहती है तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो जिस्म के माँ बाप सबके अलग अलग रूह के, के माता पिता सबके एक जिस्मानी बाप तो है विनाशी आत्माएं तो विनाशी नहीं होती हैं तुम जानते हो हमारा जो लौकिक बाप है वह तो जन्म बाय जन्म हम बदलते आए बाप बगैर तो बच्चे का जन्म हो नहीं सकता तुम बच्चों को अब विशाल बुद्धि मिली है बुद्धि कितनी विशाल हो गई है है ना हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को स्वयं के आदि मध्य अंत को यथार्थ रीति समझ गए हैं तुम समझ सकते हो कि कब से हम दो बाप वाले बनते हैं सतयुग में एक ही बाप होता है फिर द्वापर से दो बाप फिर अभी संगम युग पर तीन बाप मिलते हैं तो ये सारा ज्ञान अभी हमें मिलता है तो कितनी विशाल बुद्धि है सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है उनको ही याद करते हैं आत्माओं को उस रूहानी बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती आत्माओं को सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है वहाँ शरीर भी गोरा मिलता है पवित्र भी मिलता है और वैसे भी कलर भी गोरा होता है प्राप्त भोगते हैं ना, इसलिए वहाँ बाप को याद नहीं करते सुख में कोई सिमरण नहीं करता सब दुख में करते हैं तो तुमको यह समझाना है भक्ति मार्ग में एक है विनाशी लौकिक बाप वह तो हर जन्म में दूसरा मिलता है तुम आत्मा तो अविनाशी हो अविनाशी बाप को याद करती हो कहते भी हैं परम पिता परम धाम में रहने वाले पिता कितना पार ब्रह्म परमेश्वर लौकिक पिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे यह दो बाप का राज समझाना बहुत जरूरी है रावण का राज भी समझाना है रावण राज्य अर्थात पतित राज्य अभी है इसलिए पतित पावन बाप को बुला रहे हैं वह अविनाशी बाप है दो बाप जरूर सिद्ध करने हैं तो बाबा का ज्ञान देने के लिए ये दो बाप का राज सभी को समझाना है आत्माओं का भी बाप है इसलिए पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं हर जन्म में लौकिक बाप और और मिलता है फिर भी उस रूहानी बाप को जरूर याद करते हैं वह कभी बदलता नहीं बाप भी कहते हैं बरोबर तुम मुझे याद करते थे हे परमपिता परमात्मा कब तक तुमको याद करना है फिर बाप कब मिलता है यह तुम अभी जान गए हो कब तक याद करना है है ना फिर बाबा हमें कब मिलता है सारे सृष्टि का सब राज हम जान गए हैं जब भक्ति का अंत होता है तब भक्तों को फल देने बाप आते हैं बाप ने समझाया है सभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूँ तुम जानते हो सतयुग में एक ही धर्म होता है एक धर्म एक राज्य एक भाषा उसको वन्नस कहेंगे कहते हैं सभी मिलकर एक हो जाएं। परंतु सभी धर्म तो एक हो नहीं सकते जब एक राज्य हो जाता है तो पवित्रता सुख शांति रहती है भारत में राम राज्य था जरूर अभी यह रावण राज्य है इसलिए रावण को जलाते रहते हैं तो दो बाप का राज समझाने से झट समझ जाएंगे अविनाशी बाप तो ज़रूर है नई दुनिया में बरोबर देवी देवताएं ही थे फिर वही दुनिया नई से पुरानी होती है नई दुनिया में कितने जन्म लेते पुरानी दुनिया में कितने जन्म लेते यह तुम जानते हो न सारा सृष्टि चक्र पता है हमें ऐसे भी नहीं कि चौरासी जन्मों के आधा होने चाहिए ऐसे तो नहीं क्योंकि एवरेज आयु हमारी धीरे धीरे कम होती जाती है है ना? बयालीस जन्म पुरानी दुनिया में बयालीस जन्म नई दुनिया में नहीं भारतवासियों की आयु पहले सौ वर्ष एक सौ पच्चीस वर्ष थी अभी तो चालीस पचास वर्ष भी मुश्किल चलती है एवरेज आयु ना तो आधा आधा हो ना सके चौरासी जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना पहले आत्मा पवित्र थी शक्तिशाली थी तो शरीर में अधिक समय तक रह सकती थी फिर आत्मा धीरे धीरे कमज़ोर होती गई तो शरीर में रहने की भी आत्मा में जो शक्ति थी वो कम होती गई क्योंकि अपवित्र हो गई विकृत हो गई बाबा इसलिए कहते हैं तो आधा आधा हो ना सके चौरासी जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना बाप कहते हैं तुम्हारा चौरासी जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ तुम नहीं जानते हो हम समझाते हैं चौरासी जन्मों का राज सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई समझा ना सके तुम बाप से सुनकर खुश होते हो और फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो अब यह बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि हम अभी बेहद के पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं वह बाप आते ही तब हैं जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर जब नए घर की स्थापना होती है तब पुराने घर को तोड़ा जाता है लिखा हुआ भी है स्थापना फिर विनाश पहले स्थापना का कार्य प्रारंभ होता है फिर विनाश होता है स्थापना जब पूरी हो जाएगी तब विनाश होगा स्थापना करने वाला है परम पिता परमात्मा किसके द्वारा इस ब्रह्मा द्वारा यह भी बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतनवासी को सूक्ष्म वतनवासी को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे क्योंकि प्रजा तो स्थूल वतन में ही रचनी है वहाँ प्रजा होती नहीं सूक्ष्म वतन में कोई प्रजा नहीं होती तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ होगा वही फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेगा यही ब्रह्मा बाबा ने देखो पहले से ही बता दिया था कि साकार ब्रह्मा बाबा ही फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेंगे वह तो है अव्यक्त जो सूक्ष्मतन में संदेशियाँ देख कर आती थी तो बाबा कहते हैं वो तो है अव्यक्त जरूर व्यक्त भी चाहिए जो फिर अव्यक्त होना है दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं तो संदेश पुत्रियाँ जब जाती थी तो सामने व्यक्त ब्रह्मा बाबा और ऊपर जाती थी तो अव्यक्त ब्रह्मा बाबा संपूर्ण ब्रह्मा बाबा देखते तो बाबा थे तो इसलिए बाबा कहते हैं दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ भी है सूक्ष्म में भी है प्रजापिता तो यहाँ चाहिए जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी यहाँ ही है प्रदर्शनी में दो बाप का राज समझाना है कायदा तो है एक एक को अलग अलग समझाया जाता है अब वहाँ किसको कैसे समझाएंगे है ना जब इतना बड़ा मेला होता है बड़ी प्रदर्शनी होती है तो इतने बड़े बड़े ग्रुप के अंदर यथार्थ और इतना एक्सप्लेन करके तो नहीं समझाया जा सकता समझाने के लिए तो एकांत चाहिए वहाँ तो बहुत हंगामा होता है यहाँ तो तुमको एक डेढ़ घंटा लग जाता है समझाने में कोर्स कराते हैं ना तो एक एक को अलग से बैठकर ध्यान से उनके प्रश्न भी होते हैं तो उनको भी उत्तर देना पड़ता है वहाँ इतनी भीड़ में तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अनेक प्रकार के धर्म वाले हैं कोई क्या कहेंगे कोई क्या चुप कर तो बैठेंगे नहीं है ना उनके मन में भी जो बातें आएंगी वो भी जरूर बोलेंगे तुम सुनाएंगे एक लौकिक जिसमानी बाप है दूसरा पारलौकिक रूहानी बाप है वह है परम पिता परमात्मा अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की नरक का विनाश भी सामने खड़ा है महाभारी लड़ाई है ना बरोबर, यह राजयोग भी है राजाई प्राप्त करने की गीता पाठशाला है इस तरीके से उनको समझाएंगे ना फिर थोड़ा थोड़ा समझेंगे भगवान वाच सभी को हुँ? दो बाप है बहुत सारी साकार मुरलियों में बाबा ने इस तरीके को यूज़ करना सिखाया है और देखा भी जाता है कि इससे बहुत सहज समझ जाते हैं जब हम बताते हैं ना कि जीव और आत्मा तो जीव का पिता सबका अलग अलग और आत्मा का पिता सबका एक तो बहुत सहज समझ जाते हैं श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे तो ये भी समझाना है कि सब आत्माओं का पिता कौन है एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा कहते हैं कि माँ में कम याद करो अच्छा की पिता का प्यार और। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला स्वयं में ज्ञान का घृत डालते रोज मुरली सुनते हैं ना तो रोज ज्ञान का घृत डालना है स्वयं में ज्ञान का घृत डालते सदा जागती ज्योत रहना है बाप की याद में रह राहु का ग्रहण उतार देना है कैसे उतरेगा राहु का ग्रहण दे अभिमान में आते हैं ना तो राहु का ग्रहण लग जाता है क्योंकि दुनिया में तो लगा हुआ है परंतु जितना जितना बाबा को याद करते हैं तो राहु की जगह बृहस्पति की दशा बैठने लगती है तो इसलिए बाबा ने कहा बाप की याद में रहे राहु का ग्रहण उतार देना है दूसरा रूहानी और जिस्मानी दो बाप हैं यह पहचान हर एक को देकर बेहद के वसे का अधिकारी बनाना है बहुत सहज है ज्ञान वरदान है प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भावा देह के संबंधों से कैसे निवृत्त होंगे जब प्रवृत्ति में रहेंगे परंतु किसके साथ कंबाइंड? बाबा के साथ कम्बाइंड रहेंगे रहो परिवार में परंतु हमारा कंपेनियन कौन है शिव बाबा प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो मैं पुरुष हूँ यह स्त्री है यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए युगल तो आप और बाप हो हैं कौन है युगल सभी युगल बैठे हैं आप और बाप हो यह तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ है तो जो भी हमारे आसपास संबंधी हैं वो सभी हमारे सेवा के साथी हैं बाकी हमारा रियल कंपेनियन कौन है शिव बाबा है बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो ऐसा समझ कर चलो तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा ठीक स्लोगन है सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं तो आज क्या होमवर्क करेंगे अभी हम सभी युगल रूप में बैठेंगे युगल रूप में जाएंगे युगल रूप में खाएंगे जो कुछ भी करेंगे अकेले नहीं करेंगे किसके साथ बाबा के साथ तो हमारा रियल कंपेनियन कौन है शिव बाबा उसकी कंपनी में रहकर कर सब काम करेंगे बाकी सब सेवा के साथ ही हैं जब ऐसी स्थिति होगी ना तो सदा बाबा आपके हर कार्य को सफल करता जाएगा और आप सिद्धि स्वरूप बन जाओगे ठीक है ओम शांति